हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की हिंदी की बुक है जिसका पार्ट 22 है, महाराज श्री अग्रसेन, इनके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो अभ्यास प्रश्न पर आते हैं हम बच्चों, बहुत प्रश्न है। प्रश्न एक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, महाराज अग्रसेन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इन सभी के प्रश्न उत्तर बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, किस तरह से आप इन्हें लिख लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, श्री महाराज अग्रसेन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है, महाराज अग्रसेन जी का जन्म आज से 1500-125 वर्ष पूर्व अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को हरियाणा राज्य के हिसार जिले के प्रताप नगर में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अग्रवाल समाज के प्रवर्तक कौन थे तथा इस समाज के कितने गोत्र प्रचलित हैं? तो उत्तर है बच्चों, अग्रवाल समाज के प्रवर्तक महाराज अग्रसेन थे। अग्रवंश के 180 गोत्रों का चलन प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर ग है, महाराज अग्रसेन ने राज्य में किस परिपाटी का चलन प्रारंभ किया? तो उत्तर है बच्चों, महाराज अग्रसेन ने नई परिपाटी का चलन प्रारंभ किया कि जब भी कोई नया व्यक्ति उनके राज्य में आए तो वहाँ का प्रत्येक निवासी उन्हें एक ईंट और एक रुपया दे, जिससे उसकी निवास और व्यापार हेतु धन की व्यवस्था सहजता से हो जाए। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रसेन जी के राज्य में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसी बनाई गई? ठीक है, इसका उत्तर है बच्चों, अग्रसेन जी ने अपने राज्य में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए 18 गणराज्य बनाए। प्रत्येक गणराज्य का एक एक प्रतिनिधि होता है। ये प्रतिनिधि शासन परिषद के सदस्य होते थे। इनके परामर्श से राज्य का शासन चलता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, महाराज अग्रसेन ने पशु बलि प्रथा क्यों बंद की? तो इसका उत्तर है बच्चों, महाराज अग्रसेन पशु बलि को महान पाप समझते थे, दुष्कर्म मानते थे। सही है बच्चों, किसी की जीव हत्या करना ये तो गलत ही है। ऐसा कोई भगवान नहीं है जो किसी जीवों का मारे, मतलब भगवान रक्षा ही करते हैं, लेकिन और जो पशु बलि को बढ़ावा देते हैं, मैं भी बिल्कुल बढ़ावा नहीं देती हूँ। और सबसे अच्छा है कि हमें शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। किसी को मार के अपना पेट भरना बहुत गलत बात होती है। और बच्चों, हमें तो एक बात वो जानती हूँ कि भगवान राम को भी अपने कर्म यहाँ पे पृथ्वी लोक में भुगतने पड़े, तो हम तो इंसान हैं, तो इसलिए बच्चों कर्म जो देते हैं वो सबको भुगतने पड़ते हैं। इसलिए आप ये ना सोचें कि हम बच जाएंगे, इसलिए कभी भी हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। महाराज अग्रसेन पशु बलि को महान पाप का दुष्कर्म मानते थे। उनका तर्क था कि जब हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते हैं तो किसी के प्राण हरण का अधिकार भी हमें नहीं है। सही है, जब हम किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो हमें मारने का हक भी नहीं है। अब बच्चों, पाठ है छोटा, तो चलिए भाषा अध्ययन भी मैं इसी पाठ में बता देती हूँ आपको। पहला प्रश्न है, पाठ में संयोजक चिन्ह वाले शब्द छाट कर लिखिए, जैसे कि देख समझ कर लिखो। ये जो है बच्चों संयोजक चिन्ह है, तो इसके हमें छाट कर बताना है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, अपना अपना, ऊंच नीच, ये पाठ में से ही बताना है आपको, जाति पाति, एक एक, बड़े बड़े, सोना चांदी। प्रश्न क्रमांक दो है बच्चों, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना, मतलब इनका अर्थ नहीं बताना है, केवल आपको इसके वाक्य बनाकर बताना है। तो मुहावरे कौन कौन से, पाठ पढ़ाना, आमदा रहना, आमादा रहना, नींव रखना, पेट पालना, लकीर के फकीर, कूप मंडूक। ठीक है, तो चलिए बच्चों इनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार है, पाठ पढ़ाना यानी कि राम ने श्याम को अच्छी तरह पाठ पढ़ाया। आमादा रहना, यह सदैव मारपीट के लिए आमादा रहता है। नींव रखना यानी गांधी जी ने अछूतोद्वार की नींव रखी। पेट पालना, आज की महंगाई में पेट पालना बहुत कठिन कर दिया है। लकीर का फकीर, लकीर के फकीर लोग जीवन में उन्नति नहीं कर सकते हैं। कूप मंडूक, आज के कई लोग कूप मंडूक की जिंदगी जी रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, निम्नांकित शब्दों के वर्तनी शुद्ध करके लिखना है। ये दिए गए हैं अशुद्ध शब्द हैं, ये इनको शुद्ध करके लिखना है। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे हम। तो देखिए बच्चों, ये है व्यवस्थित, आदर्श, निर्वाचित, लक्ष्मी, अनन्य, वैश्य, दुष्कर्म, सहानुभूति। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।